हाय गाइस, मेरा नाम है निशा और आज हम करने वाले हैं क्राफ्ट टिश्यू और पेपर की हेल्प से। तो यहाँ सबसे पहले मैंने पेपर लिया है, ये ड्राइंग पेपर है, ब्लैंक है और पहले मैं इसे स्क्वायर में कट कर रही हूँ। इसका मुझे बनाना है एक कोन। तो मैंने इसको कट कर लिया है और यहाँ पर मैं रेड मार्कर की हेल्प से छोटे छोटे बो बना रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्लेन है और इसको क्यूट लुक देने के लिए मैं यहाँ पर छोटे छोटे बो बना रही हूँ। यहाँ पर हम वाटर कलर का भी यूज़ कर सकते हैं और ब्रश की हेल्प से छोटे छोटे बो बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैं इसे कोन का शेप दे रही हूँ और इसको मैं ग्लू की हेल्प से चिपका दूंगी। यहाँ पर हम ग्लू गन का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं इसे ग्लू से ही स्टिक कर रही हूँ। यहाँ पर मेरा कोन तैयार है। अब यहाँ पर मैंने लिए हैं टिश्यू, अब इनको मैं कट कर लूँगी। मुझे इनकी लंबी लंबी स्ट्रिप काटनी है ताकि मैं इसके फ्लावर्स बना सकूं। तो यहां पर मैंने टिश्यू को फोल्ड करना स्टार्ट किया है। और अब मैं इसे राउंड करते हुए फोल्ड कर लूंगी तो ये हमारा पेपर फ्लावर बन जाएगा। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर और भी पेपर फ्लावर बना लिए हैं। अब यहाँ पर मैंने एक टिश्यू लिया है और इसको मैं कोन के अंदर फिट कर रही हूँ गैप फिल करने के लिए। अब यहाँ पे मैं पेपर ग्लू ऐड कर रही हूँ ताकि जो मैंने फ्लावर्स बनाए थे वो यहाँ पर मैं स्टिक कर सकूँ। यहाँ पर मैंने टोटल 4 फ्लावर को चिपकाया है। इसको बनाना बहुत इजी है। और अब यहाँ पर मैं रेड मार्कर का यूज़ कर रही हूँ। ये प्रोसेस सीरियसली मेरे लिए बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग है, इसको क्योंकि ये टिश्यू है और टिश्यू वाटर ऑब्जर्व कर लेता है, तो बस जो कलर की टिप थी उसको टच करते ही वो ऑब्जर्व कर रहा था कलर।
मैं रोप का यूज़ कर रही हूँ और इसको टाई करके मैं इसका बो बना लूँगी और इस बो को ग्लू की हेल्प से कोन पर चिपका दूँगी। सो गाइज, अब हमारा क्यूट फ्लावर कोन तैयार है और ये हमने टिश्यू और पेपर की हेल्प से बनाया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी था और बहुत ज़्यादा इसमें कम मटेरियल लगा है। अगर आपको इस तरीके के इजी एंड क्यूट क्राफ्ट और भी ज़्यादा चाहिए तो मुझे कमेंट करें और लाइक करें मेरी वीडियो को। मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाती रहूँगी। सो बाय गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।